हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की फिल्म तड़प रिलीज हो चुकी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कमाल कर रही है। अहान की एक्टिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी लोग बात कर रहे हैं। वहीं बेटे की पहली फिल्म को मिल रही सफलता सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान जाहिर की और साथ ही साथ वो इस दौरान इमोशनल हो गए, या फिर यूं कहें कि बेटे की कामयाबी देख सुनील की आंखों में आंसू आ गए। इसी के साथ एक्टर बेटे की फिल्म को लेकर कई चौंकाने वाली बातें करते हुए भी नजर आए। ई टाइम से बातचीत के दौरान सुनील शेट्टी ने कहा, मैं पिछले 21 दिन से नहीं सोया, मैं बहुत चिंतित था। मेरी पत्नी माना और बेटा अहान तो रिलीज के एक दिन पहले अच्छे से सोए, पर मैं तो जब से फिल्म की रिलीज डेट 3 दिसंबर अनाउंस हुई तब से सोया ही नहीं। मैं परेशान और नर्वस था, यहाँ तक कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच भी मैं निरंतर यही आशा कर रहा था कि अहान को लोग एक्सेप्ट करें, उसे लोगों का खूब प्यार मिले। सुनील शेट्टी ने फिल्मों के रिव्यू के बारे में भी बात की और कहा, उनके लिए फिल्म का रिव्यू मायने रखता है, लेकिन वो एक व्यक्तिगत राय है। सुनील शेट्टी का कहना है कि दोस्त तो अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन सच सिर्फ दूसरे बताएंगे। उनका कहना है कि फिल्म को लेकर अहान को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन वो अभी भी ऑडियंस द्वारा उसे अपनाने का इंतजार कर रहा है। बता दें, अहान शेट्टी और तारा सुतारिया की फिल्म तड़प ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अहान शेट्टी की इस फिल्म ने अपने वीकेंड पर 13 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। मिलन लुथुरिया के डायरेक्शन में बनी तड़प को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म रोमांटिक एक्शन जॉनर की है, ऐसे में मास ऑडियंस को भी ये फिल्म पसंद आ रही है। कोरोना काल में जिस तरह से फिल्म को रिस्पांस मिल रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। देखने वाली बात अब ये होगी कि अहान की तड़प का बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो पाता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।